तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। दिल्ली में कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सुबह से ही सड़क से सड़क तक, संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। कांग्रेस की अलग से ही स्ट्रेटजी दिखी। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वो अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं भोपाल में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी जारी रहा। महंगाई, बेरोजगारी और खाने पीने पर जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए जिला स्तर के नेताओं के अलावा प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अंबेडकर चौक में धरना देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कुछ कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राजभवन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन का समापन किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलती हैं और जमीन पर ही धरने पर बैठ जाती हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे, आज कांग्रेस ने ब्लैक फ्राइडे मनाया। सोनिया गांधी का भी यहां पर विरोध प्रदर्शन नजर आया, जहां काले कपड़े में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर, ब्लैक ड्रेस में प्रियंका गांधी भी दिखी, क्योंकि आज कांग्रेस जिस तरह से ब्लैक फ्राइडे मना रही है, इस विरोध प्रदर्शन को और आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और ब्लैक ड्रेस में नजर आई। 3 तस्वीरें दिल्ली, भोपाल, रायपुर से, जहां पर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कहीं बेरोजगारी, जीएसटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, तो कहीं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेस के नेता। सोनिया गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में नजर आई, जहां पर उन्होंने भी काले कपड़े पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। तीसरी तस्वीर, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता सांसद काले कपड़ों में नजर आए। शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे, सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहां पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहां खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहां पे नहीं खड़े, मगर हम हैं यहां पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी टू बी मैनहैंडल। हां, वो यहां पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी। इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं, ब्रजेश, क्या स्थिति इस वक्त भोपाल में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुबह से कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरें हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, भोपाल में क्या कुछ स्थिति है? देखिए, दिल्ली से लेकर भोपाल तक आज धरना प्रदर्शन किए गए हैं, महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। भोपाल में भी बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया गया है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से लेकर राजभवन का घेराव करने तमाम बड़े कांग्रेसी नेता जो है मध्य प्रदेश के वे निकले हुए थे। इस दौरान सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया और कई तमाम बड़े जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, पूर्व मंत्री, विधायक, वे भी इस दौरान शामिल रहे थे। और हालांकि पुलिस के दौरान, पुलिस ने रास्ते में जब उनको रोका तो इस दौरान झड़प भी हुई है, धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जो है वो कांग्रेसियों को राजभवन की ओर नहीं जाने दिया।
रास्ते में उन्हें रोक दिया गया, हालांकि गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद आंदोलन खत्म करके कांग्रेस ही वापस रवाना हो गए। लेकिन भोपाल में भी इस बात का विरोध दर्ज किया गया, और भोपाल ही नहीं बल्कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा तमाम बड़े शहरों में उग्र प्रदर्शन इसी तरह कांग्रेस ने किया है। जी बिल्कुल, रायपुर के अपडेट के साथ सिकंदर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर, रायपुर में क्या कुछ स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही है, क्योंकि कई जगहों से कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है, रायपुर में क्या कुछ कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला? सिकंदर, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए सिकंदर से दोबारा जुड़ेंगे और सवाल लेंगे। सीधे रुख करते हैं ब्रजेश, आपका जिस तरह से अब तो कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि क्या दोबारा से कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन करने वाली है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति आज देखने को मिली है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि कांग्रेस इतने पर ही शांत हो जाएगी। ठीक कहा आपने, देखिए जब से ईडी की कार्रवाई हेराल्ड केस में शुरू हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी तक से लंबी पूछताछ ईडी लगातार कर रही है, छापेमार कार्रवाई और सीलिंग की कार्रवाई भी हो रही है। इस कड़ी में देश के दूसरे हिस्सों में भी अब कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। भोपाल में एक दिन पहले ही सरकार ने जांच की फाइल दोबारा से खोलने के आदेश दिए हैं। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान था कि भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है उसकी फाइल दोबारा से खोलकर जांच की जाएगी। समिति बनाई गई है, जिम्मेदारी एक वरिष्ठ आईएएस को दी गई है। तो लगता नहीं है कि अभी और ये मुद्दा थमता हुआ नजर आएगा। पूरी की पूरी कांग्रेस लगातार जांच एजेंसियों के खिलाफ भी धरने प्रदर्शन कर रही थी पूरे देश में, और अब महंगाई और बेरोजगारी, जीएसटी, इन तमाम मुद्दों के को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और कांग्रेस ने यही ऐलान किया है कि लगातार वो उग्र प्रदर्शन पूरे देश में करती रहेगी। भोपाल में भी प्रदर्शन आगे भी जारी रहने की बात आज कांग्रेस ने की है। हालांकि किस रूप में कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा, क्या धरना घेराव होंगे या विरोध प्रदर्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस तरह से आज भोपाल में भी हुई है, तो रूपरेखा बनाने में कांग्रेस मध्यप्रदेश में जुटी हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये बवाल जो है पक्ष और विपक्ष का, वो अभी फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, अब ये प्रदर्शन, ये जो आंदोलन है, ये और किस लेवल पे जाने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सिकंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। सिकंदर, क्या कुछ स्थिति आज रायपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली? जिस तरह से लगातार अगर बात किया जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को घेरने में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से आज आंदोलन किया गया था, अंबेडकर चौक में ये आंदोलन शुरू हुआ था और लगभग दोपहर 12 बजे ये आंदोलन शुरू हुआ। 12 बजे ही कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो सारे एमएलए पहुंच चुके थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद 12:30 बजे इस आंदोलन में शामिल हुए। और आंदोलन में शामिल होने पर जिस तरह से आज प्रदर्शन किया जा रहा था तो भव्य तरीके से ये प्रदर्शन था। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा था। जिस तरह से आंदोलन को और इस धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था तो छत्तीसगढ़ के हर एक विधानसभा में इस तरह की तस्वीरें देखी गई है। छत्तीसगढ़ के हर एक विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक है अपने अपने विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन किए, चाहे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और खाने पीने की चीजों पर जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, उन सभी मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस के हर एक विधायक ने अपने अपने विधानसभा में आंदोलन करके और गिरफ्तारी भी यहाँ पर देते हुए नजर आए। लेकिन रायपुर की तस्वीरों की अगर बात करूं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद केंद्र सरकार पर बड़े हमले करते हुए नजर आए थे, क्योंकि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि आजादी के लगभग 50 सालों में, इन 50 सालों में कभी भी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगाया गया, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद खाने पीने की चीजों में भी जीएसटी लगा दिया गया है, गरीबों के साथ अन्याय किया गया है। तो इस तरह के बड़े हमले जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ पर करते हुए नजर आए। बात करूँ मोहन मरकाम की तो मोहन मरकाम भी यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी लगातार केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है, महंगाई को लेकर के, युवाओं को बेरोजगार युवाओं को लेकर के यहाँ पर लगातार आंदोलन करते रहे और आंदोलन के बाद पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे थे और एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक पत्र लिख करके महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या और बेरोजगारी और खाने पीने की चीजों में जिस तरह से जीएसटी लगाया गया था
उन सभी मुद्दों को लेकर के एक पत्र जो है राज्यपाल के हाथ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सिकंदर। और ऐसे में नेशनल हेराल्ड के मामले पर कांग्रेस कितनी आक्रामक नजर आई इस पूरे विरोध प्रदर्शन में? मामले की बात करूं तो अब तक जितने भी आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुए हैं या फिर दिल्ली में हुए हैं, इन सभी आंदोलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद शामिल होते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद दिल्ली पहुंचते हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ से यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ से दिल्ली पहुंचे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का जिस तरह से मामला था, नेशनल हेराल्ड के कार्यालय को जिस तरह से सील किया गया था और लगातार कार्रवाई चल रही थी, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को और घेरने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ती है। और सीएम भूपेश बघेल ने कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि एजेंसियों का सहारा ले रही है केंद्र सरकार, एजेंसियों के सहारे से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करती है केंद्र की सरकार। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लगातार इस नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के कई बार यहाँ पर ईडी के कार्यालय का भी घेराव यहाँ पर कांग्रेस की है। तो लगातार इस तरह के मुद्दे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। लगातार केंद्र सरकार को जवाब देने में, केंद्र सरकार से सवाल करने में यहाँ पर मुखर सीएम भूपेश बघेल लगातार नजर आते हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर भोपाल में कितनी आक्रामक दिखी कांग्रेस और क्या कुछ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से बयान दिया गया? देखिए, दिल्ली में जो कार्रवाई लगातार चल रही है पिछले 5-6 दिनों से, उसको लेकर तो कांग्रेस काफी गुस्से में थी, लेकिन अब भोपाल में जब कार्रवाई की बात की जा रही है, सरकार की ओर से रीओपन फाइल को किया जाने की बात की जा रही है, उसके बाद से और आक्रामक मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस हो गई है। तमाम बड़े नेता, सुरेश पचौरी की बात करें, कांतिलाल भूरिया की बात करें, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तमाम आक्रामक मोड में आ गए हैं। और उनका कहना है कि पहले से ही मामला जो हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट से स्टे उस बिल्डिंग को मिला हुआ है, तमाम जो खरीदार थे उन्होंने स्टे लिया हुआ है और पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट ऑलरेडी कर रहा है, फिर ऐसे में कैसे सरकार और प्रशासन जो है वो हाईकोर्ट की परमिशन के बिना अपने स्तर पर जांच कर सकती है, इस बात को लेकर सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी इस पूरे मामले को लेकर तकरार और खींचतान आगे और भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए।